नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। यह रिपोर्ट हमारे साथी आसिफ अशरफ बीन ने श्रीनगर से भेजी है। आप देखिए, एक परिवार अपनी बच्ची की हत्या के लिए न्याय की गुहार लेकर पुलिस के सामने है। देखिए क्या है पूरा मामला, साथी निशी के साथ। नमस्कार, मैं निशी शर्मा और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक। परिवार का आरोप है कि बंदीपुरा में पति ने बेटी की हत्या की शव निकालने की मांग। आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता आसिफ अशरफ मीर की ये रिपोर्ट। श्रीनगर 15 जून उत्तरी कश्मीर के बंदीपुरा जिले के गुड़ जहांगीर सुबल इलाके में ससुराल में मृत महिला के शव को निकालने और पोस्टमार्टम की मांग को लेकर हाजिर सोनवारा इलाके के एक परिवार ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। बंदीपुरा के खूमना बाराबाद इलाके के परिवार ने यहां प्रेस एंक्लेव श्रीनगर में आकर विरोध प्रदर्शन किया। मृत महिला की मां तोशा बेगम ने कहा कि मेरी बेटी की शादी गुर जहांगीर के एक शख्स मोहम्मद शफी शेख से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे थे, उसकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। हमें लगा कि यह एक प्राकृतिक मृत्यु है। कुछ दिनों पहले मेरी मृत बेटी के बेटे को कमरे की सफाई के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुबल का एक आउटपोस्ट कार्ड मिला जो मेरी मृत बेटी का था। कार्ड से पता चला कि मेरी बेटी ने कीटनाशक खा लिया था और डॉक्टरों ने उसके पति को पेट धोने के लिए श्रीनगर के अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी थी। उसने कहा कि उसे श्रीनगर अस्पताल रेफर करने की वजह उसका पति उसे घर ले आया जहाँ उसकी मौत हो गई। हम जानना चाहते हैं कि मेरी बेटी ने जहर क्यों खाया और श्रीनगर अस्पताल में रेफर क्यों नहीं कराया गया, उसे जहर किसने दिया और CHC सुबल के डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। मेरी बेटी को घर से अस्पताल ले जाने वाले महमूद शफी का ड्राइवर दोस्त चुप क्यों रहा, मैं अपने सवालों का जवाब मांग रही हूँ, तोशा बेगम ने कहा और महमूद शफी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। इसी बीच पुलिस ने मृत महिला के परिवार की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उसके पति महमूद शफी और चालक मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बंदीपुरा के उपयुक्त को भी पत्र लिखकर शव को निकालने की अनुमति मांगी है। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं और आप यहाँ पे आप क्यों प्रोटेस्ट करने के लिए आए? मेरा नाम सहेल है, सहेल शेफी फ्रॉम हाजिन खुमना बाराबाद, हमारे गांव का नाम है खुमना बाराबाद। जी जी, मेरा जो है, मेरी 6 तारीख को हम जमींदारी कर रहे हैं, जमीन पे थे अच्छी तरह, मम्मी ने खाना वाना अच्छी तरह लाया वहाँ पे, तो शाम को जब हम वहाँ से आए तो मैंने चाय वाय अच्छी से पी तो मम्मा ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। जब 9:30 के करीबन मेरे दादा ने कॉल की थी उसको, तो अच्छी से बात की उसने। मैंने फिर मम्मा को बोला मैं पफी के घर जा रहा हूँ सोने के लिए, तो मैं वहाँ गया तो फिर वहाँ मुझे सुबह 7 तारीख को मुझे पापा बुलाने आया है, मम्मा मर चुकी है। जब मैं वहाँ गया तो वो मर चुकी थी, फिर वो ड्रामा करने लगे कि वो जिंदा है। मैंने दादा को फ़ोन किया, वो मम्मा मर चुकी है, फिर वो वहाँ पे ड्रामा करने लगे हैं कि वो जिंदा है, आपने उनको कॉल क्यों की। फिर वो ऐसे उनको हेडवन SMH हॉस्पिटल ले फिर वहाँ पे मैंने उठाया, वो ड्राइवर वेवर बाहर से ही घूमने लगे, अंदर कोई नहीं आया। मैंने बेड पे मैंने खुद उसको उठाया, फिर बेड पे ले आया, फिर अंदर हॉस्पिटल में ले आया, फिर ECG के लिए अंदर ले आया मेरी माँ को, तो मुझे पापा ने बोला आप बाहर रहो, बल्कि वहाँ पे पापा भी अंदर गया और दूसरी उसकी कज़न है वो भी वहाँ अंदर गई, मैं मुझे अंदर नहीं आने दिया। मुझे पता था ये डेथ थी, उन्होंने ECG की वहाँ पे वो डेथ थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे वो ड्रामा करने लगे। आपको क्या लगता है उसको जहर क्यों दिया गया? जहर दिया गया, वो इससे पहले भी कई वाका हुए, उसने उसको इससे पहले भी कई बार जहर दिया। इससे पहले भी एक केस हमारा चल रहा था बारामूला में, वो मैंने सेल में। जी जी, अब आप क्या चाहते हैं? इंसाफ, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। जी सर, मगर उतनी कार्रवाई तेज से नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ इस हिसाब से इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। कितने दिन हुए इसका कंप्लीट करने? लगभग 5-6 दिन हो गए सर। दूर अच्छा दूर ये मार खाऊंदर ये मार खाऊ खुदा खुदा ये मार खाऊंदर ये मार खाऊंदर
बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।